शिवपुरी के मझरा गांव में रहने वाली मुस्कान शेख ने न्यूजीलैंड में हुई ओपन कॉमनवेल्थ पावर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल जीतकर शिवपुरी का नाम रोशन किया है। न्यूजीलैंड से वापस आने पर शुक्रवार को मुस्कान का करेरा एवं शिवपुरी में भव्य स्वागत किया गया। मुस्कान ने बताया कि अब उनका लक्ष्य ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना है। विदित हो कि पोल्ट्री फार्म का संचालन करने वाले द्वारा मोहम्मद की बेटी मुस्कान ने पिछले दिनों न्यूजीलैंड में हुई कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक जीतकर शिवपुरी का परचम फहराया। जैसे ही ये खबर शिवपुरी तक पहुंची तो सोशल मीडिया पर मुस्कान को शुभकामनाओं का सिलसिला चल निकला। न्यूजीलैंड से वापस भारत आने के बाद 1 दिसंबर को मुस्कान ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। झांसी से शिवपुरी आते समय करेरा में आज सुबह 9 बजे पहुंची, जहां उसका जोर शोर से स्वागत किया गया। युवाओं ने बाइक रैली मुंगावली तिराहे से शुरू करके मंगल पांडे स्मारक तक निकाली। कई जगह पर उन्हें लड्डू से तोला गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। बड़ी उपलब्धि आपको मिली है और जैसे ही आप इंडिया में उतरे थे तब से लगातार आपका स्वागत हो रहा और घर ग्राम में भी हमने देखा काफी लोग खुश थे। तो इतनी बड़ी सफलता आपको मिली ऐसे ही तो मिली नहीं होगी ना, काफी मेहनत और सब करना पड़ता है। किसको आप मानती हैं कि जिन्होंने आपको मोटिवेट किया और सपोर्ट किया? सबसे पहले तो मैं अपने पापा का नाम लेना चाहूँगी कि उन्होंने शुरुआत से ही मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया और मेरे ऊपर विश्वास रखा कि मैं कर सकती हूँ। सबसे मेन चीज़ तो यही है कि कोई हमारे ऊपर विश्वास करे और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया कि मैं ये कर सकती हूँ तो आज मैं यहाँ तक पहुँची। और मेरे कोच सर जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और फिर मेरे घर वाले, एक मिनट रुकना चाहूंगा, कोच कहाँ आपको ट्रेनिंग देते थे? कोच वन विद्यालय में एमआर निवासकर सर जी हैं जो हमें ट्रेनिंग देते थे शिवपुरी में। इतने बड़े स्तर की ट्रेनिंग आपको उन्होंने दी और आप सफल भी हुई। अब आगे लंबा सफर है, कॉमनवेल्थ के बाद ओलंपिक भी है और भी गेम्स होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसके लिए आप क्या चाहती है, किस तरह की ट्रेनिंग मिले और या यही कोच आपके लिए ठीक है? मैं इस चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि हमें और अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भेजें ताकि हम और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएं, ताकि हम और अच्छी टेक्निक सीख पाएं। तो मैं चाहूंगी कि मुझे वो अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजें। 63 किलोग्राम में आपने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है और यही देख के मेरे घर वाले और आप सब लोगों की दुआओं से सब इतना खुश है, मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। नहीं, आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और इतना पैसा खर्च करना निश्चित रूप से एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार से और आपके आगे के लिए कुछ मिलना चाहिए? हाँ, मैं सरकार से चाहूंगी कि वो हमें थोड़ा बहुत फंडिंग के लिए प्रोवाइड करे क्योंकि आम व्यक्ति के लिए इतना ईजी नहीं होता यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं चाहूंगी गवर्नमेंट से कि वो हमें हमारी हेल्प करें इस चीज में ताकि उनको और मेडल मिल सके मेरी तरह। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें थोड़ी हेल्प करें इस चीज में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।